तो हेलो और वेलकम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आफ्टर टेक्निकल। मेरा नाम है अंकित कुमार। मैं आज लेकर लेके आया हूँ रेडमी 5A। ठीक है, रेडमी 5A का और हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, जो बिल्कुल मिलता जुलता है कुछ रेडमी 4A से। ठीक है, जैसे कि हमारा पुराना रेडमी 4A है, वैसे ही हमारा इस बार का रेडमी 5A कुछ ऐसा रेडमी ने बताया है। ठीक है, तो हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं रेडमी 5 का, जो कि हमारे हाथों में है, और रेडमी 4 है, इसे कॉम्पिटिशन में करा देंगे। और जो कहें तो आप, जैसे कि इसके पीछे इसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है, इसे कैसे अनबॉक्सिंग करना है। ठीक है, तो आइए हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हम किए इसको कुछ अनबॉक्सिंग। इसके ऊपर एक पॉलिथीन चढ़ा है, जिसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, निकालते हुए हम आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है। मेड इन इंडिया, आप देख सकते हैं इंडिया का ब्रांड लिखा है इस पर, और बाकी सभी चीज़ें भी लिखी हैं। ठीक है, ये हमारा अनबॉक्सिंग हुआ, हमारा जो रेडमी है फ़ोन, वो हमारा अनबॉक्सिंग। 1 मिनट, ये हमारा हुआ मेड इन इंडिया। ठीक है, देखिए अब ये हुआ हमारा जो है अनबॉक्सिंग। हम डब्बे को खोल के देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। ये देखिए, ये मिला हमें फर्स्ट में वो अपना फ़ोन, जो है कुछ वाइट कलर का फ्रंट साइज, और पीछे का भी बिल्कुल गोल्ड में, जैसे कि सब रेडमी आती हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। इसके ऊपर एक पोलथीन चढ़ा है, जिसको निकाल दिए। अब इसके पीछे का पोलथीन, इसको भी निकाल दें, और जो आपकी मर्ज़ी। तो देखिए, गारंटी से रखना चाहिए आपको कहीं और। ठीक है, ये जो स्पीकर आप देख सकते हैं, इसके अंदर में देखते हैं क्या मिला है। ये मिला कुछ हमें किताबें, जिसमें इसके बारे में दी गई है, और इसकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं। और ये भी दूसरा किताब है जो कुछ ये है, और ये है सिम डिजेक्टर। ठीक है, इसे सिम डिजेक्टर कहते हैं। ये है हमारा चार्जर, जो कुछ है ये हमारा चार्जर, ये कुछ 5 एम्पी का है, एम्पी नहीं है, 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का चार्जर है, जो कि काफ़ी अच्छा है रेडमी की कंपनी का। ठीक है, और इसमें अब हम लोग देख लेते हैं, इसको एम्पियर 5 एम्पियर रख देते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपना डाटा केबल, ये कुछ डाटा केबल ओरिजिनल दिख रहा है, अच्छी बात। ठीक है, डब्बे को रख देते हैं, आते हैं हम लोग अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो मोबाइल आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसके चारों तरफ से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है, जैसे कि अच्छा है रेडमी 4 इतना। देख सकते हैं आप लोग, रेडमी 4 से थोड़ा छोटा है, पर ये इसका लुक्स काफ़ी स्मार्ट है रेडमी 4A से। ठीक है, देखने में तो ये काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। इसको अब हम लोग साइड से देखिए, ये रहा कुछ MI लिखा है, कैमरा हुआ वहाँ पर, आपको LED फ्लैश के साथ यहाँ पर स्पीकर देखिए, स्पीकर नीचे कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे दिया गया है इसी पर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एयरफोन का ऊपर मिल जाता है, जो आपको एयरफोन, और ये रहा रिमोट कंट्रोल, जैसे कि आप अपने TV को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, ये फंक्शन इसमें दिया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये कुछ ऑफ बटन और पावर बटन है, और काफ़ी ये सब देख सकते हैं। इसका चारों ओर से स्टील की देख है, चारों ओर से एकदम मतलब टाइट बांधा गया इसे, जिससे कि ख़राब ना हो जल्दी से गिरने पर। ये रहा हमारा चार्जिंग वाला पिन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सिम का है, इसे हम सिम टूल निकाल के देखते हैं। सिम टूल को हम निकालने के लिए पिन का यूज करेंगे। देखिए सिम निकालें, देखे रहे इसमें, ये रहा हमारा कुछ सिम टूल हो, इस पर तो प्लेट वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडमी Y1 या फिर और सब में प्लेट वाला नहीं होता है, पर इसमें प्लेट वाला, ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसको हम लोग लॉक कर देते हैं, ये देखिए इसे कुछ निकाल देते हैं, और इसमें सिम लगाकर फिर से इसको अंदर कर देते हैं, तो ताकि आपको जो सिम अच्छे से बैठा कर और अंदर कर देते हैं। तो ये रहा इसका सिम की निकालने और उसकी फुल डिटेल। अब हम लोग अपना जो मोबाइल है, इसको अब अनलॉक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अनलॉक कर लेते हैं। ये कुछ पावर बटन प्रेस किया और अनलॉक होने लगा। ये देखिए हमारा रेडमी का फ़ोन है, अनलॉक हो गया। क्योंकि इस आप चारों तरफ देख सकते हैं, रेडमी 5 है, 2 GB रैम और 3 GB रैम मतलब आता है, 5720p मतलब HDMI स्क्रीन है, 16 GB और 32 GB इसका इंटरनल है, डबल सिम है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 3000mAh का बैटरी है, एंड्रॉयड वर्जन N है। ठीक है, और मिनी 9 है, जो काफ़ी आपके लिए बेहतर मोबाइल है हमारे यहाँ, ज़्यादा से इसका कम दाम में अच्छा है, 7000 में लगभग आपको बहुत अच्छा चीज़ मिल जाता है 6000 में। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखते हैं, इसके सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, यहाँ से सारे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, पहले आपको ऐसे में जाता है। ठीक है, ऊपर से जो वाईफाई हमारा खुला हुआ है अभी, जैसे कि सब ठीक है। अब हम लोग कुछ देख सकते हैं ऐसे, जो भी एप्लीकेशन है देख सकते हैं, MI ड्रॉप, MI जो भी MI प्ले है, और अदरवाइज इसमें दिया गया सेटिंग्स में चल के देखते हैं, एंड्रॉयड वर्जन अबाउट फ़ोन में जाकर। ठीक है, काफ़ी कुछ दिया है इसमें, हम लोग देख लेते हैं अपना एंड्रॉयड वर्ल्ड नंबर, एंड्रॉयड WPO, अदर्स भी देख सकते हैं, एंड्रॉयड देख सकते हैं क्या क्या किस इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एंड्रॉयड वर्जन देखते हैं N, ठीक है, नैनो वाला है, काफ़ी अच्छा है ये वाला। ठीक है,
तो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। आपको जब वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियो लाते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।